हेलो जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माफिया। और सॉरी, जो भी जेंटल वुमेन इस वीडियो को देख रहे हैं, आई डोंट थिंक कोई जेंटल वुमेन माफिया को देखेगा मेकअप छोड़ के। एनीवेज, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एनीवेज, हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे माफिया को। लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने माफिया के 3 मिशंस को कंप्लीट किया था। अब जो है डॉन हमें बुला रहा है अपने पास देखने के लिए। लेट्स सी, अब हम लोग जो है कंप्लीट माफिया जैसा दिख रहे हैं बेसिकली। तो पॉली हमें बुला रहा है, लेट्स सी, हमारा एक सीक्रेट मीटिंग आई थिंक। That's collection day, boys. So Tommy, you'll drive. Pauly and Sam. हम लोग अभी ड्राइवर है बेसिकली। Go see Ralphie about a car. हम लोग एक नए कार को लेके जाएंगे ऑफ कोर्स। पर ये जो शहर है लॉस्ट हेवेंस, यहाँ पर दो डॉन्स कंट्रोल करते हैं दो साइड्स को। हम लोग जो है डॉन्स, अबे चुप कर, यस मुझे पता है। हम लोग जो है डॉन सैलियरी के साथ है, जो कि शहर के, एक सेकंड, जो कि शहर के सदर्न पार्ट को कंट्रोल करता है आई थिंक। हम लोगों को जो है अभी एक कार लेना पड़ेगा एंड गन भी लेना पड़ेगा आई गेस। सो लेट्स सी। तो टॉक टू विंचेंस जो हमारा अभी मिशन है, तो हमें जो है सबसे पहले ऊपर जाना पड़ेगा एक गन लेने के लिए। देन हम लोग कार लेने जाएंगे रैल्फी के पास। ये बस सब कुछ का बंदोबस्त है हमारे पास, बस हमें एक अच्छा गन दे देना, बैट मत देना बस। Hey, just the guy. I saw this. And I thought एक पिस्टल। अच्छा, तो हम लोगों ने गन ले लिया, हमें बस एक घटिया पिस्टल मिला, देसी कट्टा जिसे कहते हैं। एनीवेज, तो लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग एक नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर थे। जब हम लोगों का जिंदगी चेंज हो गया हमेशा के लिए, अब हम लोग जो है माफिया के लिए टैक्सी ड्राइव करते हैं। अब जो है हमें एक मिशन पे जाना पड़ेगा। आई नो यू गाइस नीड टू बी केयरफुल टुडे, ओके? आई स्पोक टू बिफ, ही सेड मोरेलो स्टिल बेंट सिंस ही लॉस्ट द कार्स। लेट्स गो। राल्फी कहां पर गया? इस कार को हम लोग लास्ट टाइम लेके आए थे आई थिंक। हां, इस कार को हम लोग लास्ट टाइम चुरा के लेके आए थे। यू नो हाउ टू गेट इन द वन ऑफ दीस, टॉमी? Elbow goes through, reach inside, easy. And in the afternoon to fix the window back up. अच्छा, ये हमें सिखाएगा कैसे कैसे प्रोफेशनली चुराते हैं गाड़ियों को। Learn. You're a regular magician, Ralphie. तो हम लोग शायद इस कार को अब चुरा सकेंगे। Hold V to pick car lock. अच्छा, let's see. Come on, Tete Tom. Hold. Hold V. Okay, it's a car. Nice. तो अभी हमें जो है निकलना पड़ेगा। आ जाओ भाई, पॉली और सैम। Have a good day, fellas. Alright, let's go. तो मुझे पता नहीं मेरा मेन टास्क क्या है। वेट फॉर सैम एंड पॉली, मैं वेट कर ही रहा हूँ। Anyways, let's see, जो भी काम है हम लोग करके आएंगे। First we got Al. He runs a bakery on Longman Street. You know it? So let's go. म्यूजिक ऑफ करो भाई, लास्ट वाले वीडियो में मुझे कॉपीराइट आ गया था लिटरली एक रेडियो के साउंड से। पता नहीं ये लोग कॉपीराइटेड म्यूजिक देते भी क्यों है रेडियो में, कौन रेडियो सुनता है मुझे नहीं पता गेम में। अबे नहीं, ये पर हमें क्रैश नहीं करना, थोड़ा सा सेफ ड्राइविंग करना पड़ेगा, वरना ये मेरे साथ जो बैठे हैं ये पागल हो जाएंगे। तो टॉमी के पास और कोई चॉइस नहीं है एक्चुअली। फर्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग एक डिटेक्टिव को एक स्टोरी सुना रहे थे। सो ये सब टॉमी का पास्ट एक्सपीरियंस है, कैसे टॉमी एक ड्राइवर से एक माफिया बन गया, कंप्लीट माफिया। लेट्स सी, हम लोग शायद इस शहर के बड़े पार्ट को भी कंट्रोल कर सकेंगे अगर हम लोग उस डॉन को हटा दें। मोरेलो उसका नाम था, मैं भूल गया आई थिंक। नहीं, हाँ वही नाम था। एनीवेज गाइस, मेरी क्रिसमस, जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा शायद बहुत देर हो चुका होगा, फिर भी अभी जो है क्रिसमस चल रहा है। और एनीवेज, दिसंबर में ठंड ही नहीं है, देखो एक बार। ये पर थोड़ा सा खाली रोड्स है, पता नहीं कौन सा दिन है आज पर। यस, हम लोग अबे नहीं, कार को हम लोग यहाँ पर पार्क करेंगे। पार्क करने का जगह भी है ऑफकोर्स। डैमेज नहीं करना कार को, बहुत अच्छा कार है। निकलो इस कार से बस। Watch what we do today, Tom. When it goes smooth, it's a breeze. When they put up a fight, sometimes you gotta think on your feet. Sure. Just follow. All right. तो हमें जो है शांति से जाना पड़ेगा, अगर हम लोग फाइट करते भी है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। Anyways, let's go. Enter bakery. तो हम लोग शायद कोई errands करने आए हैं। Let's see. Normal काम, कुछ ज़्यादा interesting काम होगा नहीं। Sam, Polly, how are you? We're good. यहाँ पर एक मैसेज भी है, डियर। अच्छा, जो भी है हम लोग मैसेज पढ़ने नहीं आए यहाँ पर। Julia. अच्छा, तो ये जो बेकरी है ये हमें मनी देता है, हम लोग इनको प्रोटेक्शन देते हैं। मैं समझ गया, माफिया ऐसे काम करता है। एक्सक्यूज मी ग्रैनी, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ले, इटालियन बोलना शुरू कर दिया इन लोगों ने। ऑन द टेबल ब्राउन एनवेलप, ये रहा। तो हमें मनी मिल चुका है, बस हमें निकलना पड़ेगा। नो झमेला, सारे मिल के हमको पागल बना रहे हैं। इटालियन में गाली दे रहा है, पर हम लोग इसे प्रोटेक्शन देते हैं बाय द वे, पर फिर भी मान ही लेना। Let us know if you need anything. Anything at all. Sure will, Sam. Sure will.
माँ ने हमें गाली दे दिया। एनीवेज हम लोग चलते हैं, बस अभी हमें और भी जगहों में जाना पड़ेगा। हम लोगों ने एक जगह से मनी कलेक्ट कर लिया, तो ये जगह हमारा है, हमारा प्रोटेक्ट करना काम है इन लोगों का। बट एनीवेज मनी लेते हैं हम लोग इसके लिए, जो कि शायद ये लोग ज़्यादा खुश नहीं है सुन के। आ जा भाई, नाउ लेट्स गो। ओके, नेक्स्ट अप वी गॉट ऑल योर जींस प्लेस, चाइनीज स्टोर अप ऑन टावर। ही इज नॉट डेड येट, ऑलमोस्ट। हर हिज नेफ्यूज टेकन ओवर। ऑलराइट, मेरे सामने से हट जा भाई। अबे यार ये गाड़ी गाय यूज्ड टू रन दिस नेक्स्ट प्लेस टॉम, हिज नेम इज नॉट यूजीन, गाय इज अ चाइनामैन, बट इट साउंड्स लाइक यूजीन। चाइना में किसका नाम यूजीन होता है मुझे नहीं पता। मेरे सामने पुलिस है बाय द वे, मैं इसको टच नहीं कर सकता। एनीवेज तो हम लोग चाइना टाउन में जा रहे हैं, वापस अगर हमें कोई मिलेगा जिसको हमें पैसे लेना है बेसिकली माफिया जैसा काम। एनीवेज लेट्स गो। अबे यार ये रास्ते के बीच में खड़ा हो गया, देखा इनको कोई काम नहीं, चलना भी नहीं जानते ये लोग, गाड़ी चलाना तो दूर की बात। कौन भौंक रहा है भाई? एनीवेज तो हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं बस इन मार्कर को फॉलो कर रहा हूँ। ये रहा चाइना टाउन, बिल्कुल चाइना जैसा एंट्री है। एनीवेज लेट्स गो, यहाँ पर हमें कोई मिलेगा आई गेस। एग्रेसिव नहीं बनेंगे जिससे जो है प्रॉब्लम होगा। ऑफकोर्स हमारे पास गन है, फिर भी ये शायद इनफ नहीं होगा हर काम के लिए। वहाँ पर अगर 10-12 बंदे मिलते हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ओह माय गॉड, देखा ऐसे ये लोग ड्राइविंग नहीं जानते भाई। मैं बस कितना केयरफुल ड्राइविंग कर लूँ, ये लोग ठोक ही देंगे आपको। ऑलराइट, तो मुझे सामने जाके पार्क करना पड़ेगा। एक सेकेंड, पार्किंग स्पॉट ये रहा। I'll cover this one, Sam. You sure? Sure, I'm sure. क्या मुझे निकलना पड़ेगा? I don't think मुझे निकलना पड़ेगा। पॉली जाएगा अकेला? Yeah, he's got a job. He's doing the store on his own? Yeah, when Polly's built up a little steam, he needs to let it out on his own. She's got to let him get on with it. China Town देखने में बिल्कुल चाइना जैसा है। Once we were putting a squeeze on his tailor over in Holbrook. कोई तोड़ रहा है कुछ चीज़ों को भाई। एक सेकंड, हमें जाके चेक करना चाहिए क्या? नहीं, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते इस गाड़ी के। पॉली जिंदा भी होगा? एक्सक्यूज मी, क्या हमें बाहर नहीं जाना चाहिए? नहीं, पॉली ठीक है। Here he comes. He's a fast worker. 5'2" का पॉली ने अपना काम कंप्लीट कर लिया। एनीवेज लेट्स गो बस। How much blood? Nothing he can't scrub out. अबे यार पुलिस है मेरे सामने, इतना पुलिस पेट्रोल करता है पता नहीं शहर में क्यों। Get to hear even more about Chinese nephew guys scrubbing their own blood out of shop counters. Yeah, seems like it's not too hard. Not hard. No. Comes natural to you guys. Don't see why it can't come natural to me. So anyone can do this. Me and Polly, we've been working these streets for years. You come in and you think you know it all. I'm not saying that, Sam. You've been a day on the job, pal. You haven't seen what we do. You haven't seen how we do it. Sam, I think you ought to... No, Polly. This punk thinks he can walk in here like a big shot. I put greasers like him in the ground. I think you gotta say you're sorry, Tom. Sorry, huh? Well, I'd say sorry if I couldn't see the bullshit smile you're trying to hide. You got him now, Sam! You got him! I can smell the crap in your pants from here. Nah, you didn't get me. When little Tony first came out with us, I had him on his knees before he knew I was yanking his jape. ये लोग बस कार में बैठ के मजाक कर रहे हैं। एनीवेज तो हमें सामने जाना पड़ेगा, हम लोग शहर के बाहर जा रहे हैं फॉर सम रीजन, यहाँ पर हमें कोई और चाइना टाउन का बंदा मिलेगा। ऑलराइट, तो हम लोग बहुत पास आ चुके हैं जहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पर शहर के बाहर ये लोग बहुत बड़ा मनी का बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये डॉन शहर के इतने बाहर कैसे अपना मैनेज करता है। बट एनीवेज इसके जो चमचे हैं वो मैनेज करते हैं हमारे जैसे। लेट्स सी, बड़े अमाउंट मनी के साथ बड़ा प्रॉब्लम भी आ सकता है। ऑफकोर्स इसलिए शायद हमें गन मिला है। यहाँ पर एक चर्च है बाय द वे, आई थिंक ये चर्च ही है। नाइस, तो हमें सामने जाना पड़ेगा। कितना दूर जाना है मुझे नहीं पता, पर मैं मैप देखना नहीं चाहता, उसमें जो है हमारा ड्राइविंग स्पीड कम हो जाएगा बस। ये कार ज़्यादा कुछ फास्ट जाता नहीं, पर एक्चुअली बुरा भी नहीं उतना भी। 3-सीटर का कार है बाय द वे, मुझे पता नहीं 1930s में 3-सीटर के कार क्यों बनाते थे ये लोग। अबे ओ माय गॉड, क्रैश होता तो बहुत डैमेज होता भाई, एटलीस्ट उस ड्राइवर ने संभाल लिया। ओके, पहुँच गए हम लोग। ये पर एक पेट्रोल पंप है बाय द वे, लेट्स पार्क हियर। यस, उतरो बस अभी। अच्छा, हम लोगों को उतरने की जरूरत नहीं, हम लोग ड्राइवर है बस, अभी कुछ टाइम बाद शायद हम लोग कुछ मेन काम करेंगे। हमारा काम ही है पर बस वेट करना। नो स्मोकिंग, माफिया बन गए हम लोग, ये सब रूल्स हम लोग फॉलो नहीं करते। और ऑफ कोर्स बड़ा अमाउंट ऑफ मनी है, मैंने कहा था। Tell Salieri from here on out this place is ours. Capisce? And don't come back, or you'll end up in worse shape than your friends. अच्छा, एक और फ्रेंड का क्या हुआ? Get Sam. They're trying to beat information out of him. I gotta get you to a doctor. I can wait. ठीक है ठीक है, ये वेट कर सकता है। इसको चेस्ट में बुलेट नहीं लगा। Okay, just hang on. Alright, let's go. हमें जल्दी काम करना पड़ेगा, इतना स्लोली हम लोग काम नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों को मेरी ज़रूरत है।
एक्स टू स्नीक, हम लोग स्नीक करके जा सकते हैं, पर एक्चुअली अबे यार मेरे सामने एक बंदा है, एक सेकंड मैं इसको पीछे से धप्पा कर सकता हूँ। चुपचाप जाएंगे और धप्पा कर देंगे इसको, क्योंकि एक बंदे को हम लोगों को कम करना पड़ेगा एटलीस्ट। ये गया काम से, यस बेहोश कर दो इसको, नाइस। अब हम लोगों के पास एक एनिमी कम होता है। एनीवेज हमें ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर बहुत सारी चीज़ें हो रही है। अबे यार पंच नहीं करना, मुझे ऊपर जाना है। चल चल टॉमी, चल चल एक और बार टॉमी, नाइस। तो हमें अभी क्राउच बंद करना पड़ेगा आई गेस, बट लेट्स सी यहाँ पर कौन है एक्चुअली। मुझे नीचे जाना पड़ेगा आई नो, पर ऊपर कोई होगा आई गेस। एक दरवाज़ा लॉक्ड है यहाँ पर। अबे यार मैं इसको एम नहीं कर पा रहा था, ऐसे बैठा था। अबे ठीक है, मैंने गोली चलाया, अब इसके साउंड को सुन के लोग आएंगे, मुझे पता है। एक बंदा ऊपर दिख रहा है मुझे, आ जा भाई। ये गन के सामने, ये गन के सामने बैट लेके आ रहा है, देखो। ठीक है नाइस, क्या काम से, कभी गन के सामने ऐसे मत आना। एनीवेज हमें नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर कुछ और है देखने के लिए, ऊपर और कुछ देखने के लिए है नहीं। मैं क्राउच छोड़ता हूँ, मुझे अभी जो है सीरियसली काम करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास। ये क्या चीज़ है, एक सेकेंड, मुझे एक क्या मिला, ये एक शॉर्ट गन मिल गया आई थिंक मुझे, यस। तो हमें एक शॉर्ट गन मिल चुका है, तो हमें जल्दी से जो है नीचे का जगह क्लियर करना पड़ेगा। ओ नो, कोई आ रहा होगा ये पर, नहीं कोई नहीं आ रहा। तो अबे यार कहाँ से मार रहा है ये बंदा, एक सेकेंड, गो डाउन। मेरा हेल्थ कम हो गया बाय द वे, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है भाई ये बंदे। अच्छा तो मुझे थोड़ा सा सोच समझ के खेलना पड़ेगा, मैं जो है ज़्यादा डैमेज नहीं ले सकता। एक बंदे ने कितना डैमेज किया देखा, दो तीन बुलेट से ही। पीछे से ऊपर और भी बंदे छुपे पड़े हैं, मैं गन को अच्छा ऐसे चेंज कर सकता हूँ, नाइस। नाइस मर गया, हमें साइड में जाना पड़ेगा, ये पर फर्स्ट एड है, नाइस दे दो भाई, इसका ज़रूरत था मुझे। ऑल राइट, तो हम लोग अभी शॉर्ट गन को चूज़ करेंगे, और बंदे आएंगे मुझे पता है। लेट्स गो लेट्स गो, अरे टॉमी चल जा भाई। ऑल राइट सामने जाना पड़ेगा, छुपो यहाँ पर, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। शॉर्ट गन उतना दूर नहीं जाएगा, मुझे पता था। अबे टॉमी छुप जा, ठीक है नाइस। मुझे अपने पिस्टल को यूज़ करना पड़ेगा, मेरे सामने ये फ्लावर वास, नाइस एक गया। अभी शायद कुछ और ज़्यादा, अबे यार अभी भी बंदे हैं यहाँ पर, कितने बंदे छुपे हैं यहाँ पर। हेड शॉट लग जाए, नाइस, नहीं हेड शॉट नहीं लगा। अबे कैसा घटिया पिस्टल है भाई, मर जा भाई, क्या चाहिए तुझे। नाइस क्या काम से, अब मुझे जो है जल्दी से निकलना पड़ेगा। शॉट गन लो और निकलो इस जगह से बस। यहाँ पर जाना है हमें। Sam, they really went to work on you, buddy. एक अकेले जाना था इनको, ठीक हुआ इसके साथ। Come on, you'll be all right. All right, let's go. You're tough as nails. Oh my God, मुझे पता था कुछ बंदे होंगे अभी भी। इस बंदे को देख के तगड़ा लगता है। मनी भाड़ में जाए भाई। तो मुझे उसको पकड़ना पड़ेगा, चेस होगा एक सेकंड। गाड़ी में चेस नहीं करना मुझे प्लीज, ये मत कहना मुझे गाड़ी में चेस करना। अबे यार यस यस मैं जा रहा हूँ भाई, तू मनी का चिंता मत कर, तेरा हालत देखा क्या हुआ तेरा। ऑफकोर्स चेस्ट में बुलेट नहीं लगा इसलिए तू बच गया, एटलीस्ट वन हमें इस गाड़ी को फॉलो करना पड़ेगा। ये ब्लैक कलर का कार क्या इनका बैकअप है, हाँ आई थिंक प्रेस टू शूट वाइल ड्राइविंग। अच्छा इससे कुछ होगा, मुझे इसके पास जाना पड़ेगा आई गेस, तब मैं थोड़ा सा शूट कर सकूंगा इनको। एक सेकेंड, मेरे पास इन्फिनिट एमओ है बाय द वे, मैं इनको खो नहीं सकता, मुझे थोड़ा सा और तेज ड्राइविंग करना पड़ेगा। इस गाड़ी का स्पीड कुछ ज़्यादा खास है नहीं, उस येलो कार का स्पीड बहुत अच्छा है। इन लोगों ने बैकअप बुला लिया भाई, और इस गाड़ी को ड्राइविंग करना भी बहुत मुश्किल है। इस गेम में सब कुछ ही कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अबे यार एक और गाड़ी आ गया देखो, मैं इनको खो नहीं सकता। ये लोग भी गोली चला रहे हैं, ओह नो भाई, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, मुझे मेन कार का फॉलो करना पड़ेगा। कुछ हो ही नहीं रहा बुलेट से, अबे यार हट जा, मुझे मेन कार को फॉलो करना पड़ेगा। बाहर में जाइए लोग,
उसको हम लोग दूर नहीं जाने दे सकते। पता नहीं कितना मनी है, हम लोग अपनी कार को पूरा तबाह कर रहे हैं बेसिकली। आई होप उससे ज़्यादा मनी होगा, इस कार को खरीदने से ज़्यादा। आई थिंक ऑफकोर्स उससे ज़्यादा मनी है, एक बैग फुल ऑफ मनी। लेट्स गो। यार अबे यार ये कैसे ड्राइविंग कर रहा है, देखो। इसके लिए ड्राइविंग करना बहुत आसान है पर मेरे लिए नहीं। आई थिंक उस गाड़ी को ड्राइविंग करना ईजी भी है, ये गाड़ी मेरा कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल है। मर्चा भाई कितना गोली लगेगा इसको मारने में। पॉली और सैम का पता नहीं क्या हुआ, सैम पॉली को देख सकेगा आई थिंक, क्योंकि वो डैमेज नहीं था। पॉली को किसने गोली मार दिया था। ऑलराइट, वी ऑलमोस्ट गॉट हिम। गाड़ी फूट जाना चाहिए इतने बुलेट्स में। अबे यार नहीं नहीं नहीं, उल्टा मत होना। मैंने देखा ही नहीं मेरे सामने क्या है, ऑफ कोर्स, पर फिर भी हम लोग इसे खो नहीं सकते। तो अगर मैं इसको स्लो कर देता हूँ तो मैं इसके गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी को घुसा सकता हूँ, जिससे जो है ये रुक जाएगा। एक बार ही हमें ये ट्राई करना पड़ेगा, मैंने लास्ट टाइम देखा नहीं था, ऐसे ये स्लो हो जाएगा। ऑलराइट, इसका स्पीड कम हो चुका है, आई थिंक मैंने इसके टायर को डैमेज किया या समथिंग लाइक दैट। एटलीस्ट ये अकेला बंदर ड्राइविंग कर रहा है। यस, वी डिड समथिंग। रुक जा भाई रुक जा। या बे यार मुझे ठोकना ही था गाड़ी को। एनीवेज, क्या मर गया वो बंदा? निकलो भाई निकलो, मेरे पास हेल्थ बहुत कम है फिर भी। शॉटगन रेडी। दैट वाज व्हेन आई सॉ द कॉस्ट, व्हाट इट मीन्ट टू बी ऑन द इनसाइड। लेट्स गो। यस, हम लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, पर एटलीस्ट ये कार डैमेज कर दिया भाई हम लोगों ने। बट एनीवेज, अच्छा मिशन था, चैप्टर कंप्लीट। ऑर्डिनरी रूटीन, ये हमारे लिए ऑर्डिनरी रूटीन बन चुका है। इंटरमेसो, नेक्स्ट चैप्टर 1938। वाओ, हम लोग लौट आ चुके हैं उस डिटेक्टिव के पास। ऑफ कोर्स इसका किस्मत एक ही रात में चेंज हो गया। क्या चीज था भाई, फॉर सम रीजन 1938 में जो है टॉमी ने सोचा कि डिटेक्टिव के पास जाना चाहिए। God damn it! Moron! ये कैसा हॉर्न है इसकी गाड़ी का? Look at this! Jesus Mary, Joseph Dom, Tom Morello, and then अच्छा ये है Morello. You know anybody else driving a rare import in this part of town, Joey? No. Well then, I'm sorry. I was driving real slow. You're saying this is my fault. अबे यार। No, sir. इसका गाड़ी देखा? I never been in no accident. तो ये है मोरेलो, इसके पास ज़्यादा पावर है हमसे, सैलियरी से। Oh, you're not gonna need that, sir. The tires are just fine. His grills are bent up. उसके लिए नहीं लिया उसने। यही होता है जब तुम्हारे पास सारा पुलिस होता है, कोई कुछ नहीं कहेगा। देखा, पुलिस देख रहा है खड़े होके। दो तरह के डॉन होते हैं इस शहर में। सैलियरी जो है थोड़ा सा शांत टाइप का डॉन है, पर मोरेलो ऐसा होता है। Someone spun your tail, pal. You got an informant right there. Says Morello made a mint every time crackers went to the mat. That's true too. We was also having a bit of fun. Let's see. Fair play. 1932. तो दो साल बीत चुके हैं जब से टॉमी ने माफिया ज्वाइन किया। Tommy. Thanks for getting down here so quickly. Yeah, sure thing, boss. What do you need? You know, there's a race coming up. Oh, yeah, yeah. Polly and Sam. There's a guard at the track. You go down there tonight, you boost the European's car, bring it to one of our mechanics, and make a few adjustments, you bring the car back. Should be no problem, boss. अच्छा, मैं समझ गया, कैसा अजीब सा मिशन है भाई। अच्छा, तो एक यूरोपियन बंदे ने जो है एक बहुत बढ़िया कार लेके आया यहाँ पर रेस करने के लिए, पर सैलियरी इस रेस को हारना नहीं चाहता। तो हम लोग उस यूरोपियन कार को चुराएंगे एंड देन यहाँ पर आके उस कार को ख़राब करेंगे एंड देन कुछ और करेंगे। लेट्स सी कैसे हम लोग उस कार को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। ये कुछ ज़्यादा आसान मिशन होने वाला है नहीं। हम लोग रैल्फी के पास उस कार को ले आएंगे, ये उस कार का कुछ ख़राब कर देगा, देन हम लोग शायद उस रेस को जीत सकेंगे, क्योंकि उस कार के ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है, रेस के ऊपर बेसिकली। Kind of hard to miss. Celieri isn't going to let Morello break his winning streak, huh? No, sir. Gotta send him a message. So, tonight, we borrow his guy's motor from the track.
My friend Bobby is a guard. Achha. For a little dough, he'll show you where it is, then look someplace else while you turn the key. I like Bobby already. Sure. Then there's this other guy, Lucas Bertone. You take the car to him down under the Giuliano Bridge. He'll, you know, tune it a little. Make the race tomorrow more interesting. Then I take the car straight back and Bobby can stop looking someplace else. But you gotta be quick. Bobby comes off shift at 1:30 and then the next guy, he's an ass. अच्छा तो मुझे जल्दी काम करना पड़ेगा वहाँ पर जो है if you need somewhere to keep your motor safe where no one can take them, feel free to use the garage. तो मुझे जो है जल्दी काम करना पड़ेगा उस गाड़ी को चुरा के जो है मुझे जल्दी से उस गाड़ी के पार्ट्स को खराब करना पड़ेगा एक मैकेनिक के पास ले जाके एंड देन अबे यार क्या है ये 7 out of 36. अच्छा टैक्सी मैं इसको ड्राइव कर सकता हूँ. अच्छा हमारे पास ये सब कार है आई थिंक. एम्बुलेंस हमें ड्राइव नहीं करना. ये कार देखने में सबसे कूल लग रहा है. लेट्स सी ग्रिप अच्छा है इस कार का. हम लोगों को जल्दी से काम करना पड़ेगा. लेट्स गो. जो बंदा अभी उस कार को गार्ड कर रहा है उसको हम लोगों ने पैसे दे दिया. अब बस वो हमें कुछ भी करने देगा. पता नहीं कौन सा रेस कार है. आई थिंक कोई जर्मन मॉडल का कार होगा. जर्मन इंजीनियरिंग पूरी दुनिया में फेमस है. 1932 में पता नहीं कौन सा ऐसा कार बनाया इन लोगों ने जो कि सबसे फास्टेस्ट कार कह रहे हैं ये लोग. लेट्स सी हमें देखने को मिलेगा. ये सब रेस के लिए होगा कार आई थिंक. बट एनीवेज पता नहीं मैं उस कार को इस शहर में कैसे चलाऊंगा बिना किसी सस्पिशन के. मैं रेडियो को ऑफ करना भूल जाता हूँ भाई. इस साउंड को मुझे अभी साइलेंस करना पड़ेगा इस पार्ट को वरना हम कॉपीराइट आ जाएगा. इतना घटिया है ये चीज़. टॉमी जो है अपने आप ही रेडियो चला लेगा जिससे जो है कॉपीराइट आ जाता है. ऐसा म्यूज़िक है इस गेम में. हमारे पास एक बहुत बेहतरीन ड्राइवर है जो कि कभी कोई रेस नहीं आता. रेस जीतने के लिए एक अच्छा कार भी चाहिए. एक इक्वल लेवल का कार चाहिए. जर्मन्स ने शायद एक बहुत बेहतरीन इंजन बना लिया जो कि हमारी कार से बहुत फास्ट है. लेट्स गो. ये है हमारा बंदा आई थिंक. इसे हम लोगों ने पैसे दिया था. You Bobby? Yep. We can take your car to the garage. Place is empty. Any friend of Ralphie's a friend of mine. I mean if you got the money, sure. Alright, तो ये भी हमारे साथ आएगा. लेट्स सी कहाँ पर है गैरेज. गैराज. बचपन से हम लोग गैरेज कहते आए हैं भाई. Whole city. They smuggle in hooch. There's fighting. I hate it. ये रेस ट्रैक नहीं है आई थिंक. Name a better place to pick up a Dane than this place this weekend. Don't get me started. Things I've seen. Alright, हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर हमें उस कार को लेने जाना है. I guess हमारे बिल्कुल सामने पॉइंटेड है. Let's park. अबे ठुकना नहीं है हमें. Nice, nice. हम लोग यहां पर पार्क कर सकते हैं अपने कार को. Nice, nice. बहुत पार्किंग हो गया. अब निकलो बस इस गाड़ी से. Okay, this is it. Let's see क्या है दुनिया का फास्टेस्ट कार. जिस कार को लेके ये लोग सब परेशान हो रहे हैं. Let's see कैसा है ये कार दिखने में. खोल दे भाई. वाओ ये अबे 1929 Carrazella C series best in class. ये बस ये कार है. एक इंजन के ऊपर बस इन लोगों ने चार टायर लगा दिया. Cops are going to ask questions when they catch up. Sure, try to keep it one piece too, huh? So I gotta be back from Bertone by 1:30 before the next guy shift. Yeah, he's an ass, I heard. अच्छा तो मुझे जो है अबे 2 मिनट के अंदर. अबे क्या स्पीड है. एक सेकेंड. ऑलराइट तो मुझे इस कार को डैमेज नहीं करना आई गेस. बट क्या स्पीड है इस कार का. और कितना साउंड है भाई इस गाड़ी में. वाओ ये सच में बहुत फास्ट कार है भाई. अबे माइक को ऑफ कर भाई. इस कौन से रेस कार में रेडियो होता है मुझे नहीं पता. मैं माइक को ऑफ नहीं कर पा रहा. स्पीड लिमिटेड एल. अच्छा तो हम लोग एक स्पीड लिमिट को सेट कर सकते हैं जिससे पुलिस हमारे पीछे नहीं पड़ेगा. आप थोड़ा सा सेफली हम लोग ड्राइव कर सकेंगे. नाइस. ऑलराइट गाइस अनफॉर्चुनेटली जो है मुझे अपना म्यूज़िक का वॉल्यूम पूरा कम करना पड़ा वरना मैं रेडियो को ऑफ नहीं कर पा रहा. पता नहीं इस कार में रेडियो किसने लगा दिया कहां पर लगा दिया. ऑफ ही नहीं हो रहा. एक सेकेंड मुझे जाना कहां पर. इस साइड से टर्न करना है आई थिंक. मैं जा कहां पर रहा हूं एक बार देख के रखते हैं. वाओ भाई मुझे बहुत दूर जाना है. एक सेकेंड 3 मिनट के अंदर पता नहीं मैं कैसे पहुँच के लौटने वाला हूँ. वाओ 3 मिनट में गार्ड चेंज होगा आई थिंक. 3 मिनट में हमें पहुंचना पड़ेगा लौटने के लिए. हमें और 3 मिनट मिलेगा. 6 मिनट में शायद 10 मिनट के अंदर शायद 2 बार गार्ड चेक करने आते हैं. मुझे नहीं पता क्या हो रहा है. बट एनीवेज हमें जल्दी पहुंचना पड़ेगा. दैट्स इट. यहाँ पर हम लोग ज़्यादा तेज़ ड्राइव नहीं कर सकते. हम लोग बिल्कुल चाइना टाउन में है. यहाँ पर पुलिस होगा आई गेस. देखा पुलिस मेरे बिल्कुल साइड से. आई सी इट. आई डोंट बिलीव इट. एक सेकेंड क्या टर्न लिमिटेड. मैंने तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा.
अबे यार पुलिस मेरे पीछे पड़ ही गया, पता नहीं कैसे इन लोगों ने मुझे समझ लिया ये कार चुराया हुआ है। मैं ऐसे भी कार ड्राइव कर सकता पर फिर भी नहीं। अबे यार मैं इस पुलिस से बच सकता हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा तेज स्पीड है। लेट्स गो, स्पीड देखो भाई, ओ माय गॉड पुलिस तो हमें पकड़ने से रहा भाई। हट जाओ। कितना अनोइंग पुलिस है इस गेम में। इस कार को डैमेज नहीं करना हमें प्लीज। वाओ भाई तो हमें बहुत दूर जाना है एक्चुअली, तो हमें इस ब्रिज को क्रॉस करना है एंड देन नीचे से यहाँ पर जाना पड़ेगा। लेट्स सी, उसके उस टाइम पे हमें पुलिस से बचना पड़ेगा। हम लोगों को इस कार में कोई स्क्रैच नहीं लाना, रूल्स से रूल्स। इस काम के लिए और कोई नहीं मिला सैलियरी को। आई थिंक सैलियरी जो है अब मुझे भी ज़्यादा ट्रस्ट करता है। 2 साल बीत चुके हैं, हम लोग बस उसके लिए ड्राइविंग कर रहे थे। कभी कभी हम लोग बस मर्डर मिशन करते होंगे इससे पता है, और बाकी बंदों से हम लोग ज़्यादा केपेबल है तो शायद ऐसा हो सकता है। एनीवेज पर मुझे थोड़ा सा स्पीड लिमिट ऑन करना पड़ेगा। मैंने अभी अपने कार का स्पीड लिमिट ऑन कर दिया, इससे जो है हम लोग 60 के पास रहेंगे स्पीड में, जिससे जो है पुलिस हमें पकड़ेगा नहीं ओवर स्पीडिंग की वजह से। जल्दी चलते हैं बस, हमें अपने स्पीड लिमिटर की ज़रूरत नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। कितना तेज है। अबे यार पुलिस हमारे पीछे पड़ी गया। देखा पुलिस को पता चल गया भाई, लिटरली अमेरिकन पुलिस। हट जाओ। ओ माय गॉड कितना, अगर मैं ठुक जाता हूँ तो मर जाऊंगा भाई मैं ऐसे। सामने चलो, अबे हट जाओ। मैं इस कार को डैमेज नहीं कर सकता, कितना अनोइंग एनपीसीज के बच्चे। मेरे पीछे पुलिस है, प्लीज भाई पुलिस। मैं उससे ज़्यादा फास्ट हूँ फिर भी, वो लोग बहुत ज़्यादा है तादाद में। किट कर रहा है देखो कैसे, मैंने कुछ किया ही नहीं, ड्रिफ्ट मार रहा है कार। पुलिस को देख के पता चल गया भाई वो कार जो है रेस कार है, हम लोग ज़्यादा तेज ड्राइव कर रहे थे इसलिए आई गेस। टाइम नहीं मेरे पास बिल्कुल भी, उस ब्रिज के नीचे जाना पड़ेगा हमें। कार को हम लोग उड़ा के ले जाएंगे, चलने का टाइम नहीं है। हट जाओ जो भी सामने है, हट जाओ। स्पीड कितनी स्पीड में जा रहे हैं हम लोग, इसके टायर तो पूरा घिस गया भाई। अच्छा तो साइड में चलना पड़ेगा। कहाँ पर एक सेकेंड, मैं टाइम आउट हो गया भाई, एक और बार ट्राई करना पड़ेगा। ऑल राइट रन आउट ऑफ टाइम, तो मुझे एक और बार ट्राई करना पड़ेगा। मुझे जो है स्पीड लिमिट में नहीं चलाना ये मैं समझ गया, पर स्पीड ना लिमिट करके चलाने में बहुत तेज चलता है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इतना घटिया ड्रिफ्ट मारता है ये कार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग अभी ब्रिज के बहुत करीब है, हम लोग ब्रिज से जो है उड़ा के ले जाएंगे अपने कार को। पुलिस हमें पकड़ नहीं सकता, उसका चिंता हमें नहीं है। अबे यार हट जाओ, ये ब्लास्ट हो जाता है ये कार अगर ठुक जाता है तो, इतना स्पीड में। जो भी है मैंने इस कार के टायर को पूरा घिस दिया एकदम, ब्रेक लगा के। चलने दो। जहाँ पर लास्ट टाइम हमारा टाइम आउट हुआ था वहाँ पर हम लोग वापस से लौट आ चुके हैं। सबसे दिक्कत की बात है इस कार को मुझे लौटाना भी पड़ेगा भाई, वो ज़्यादा दिक्कत होगा। कहाँ पर जाना है मुझे, यहाँ पर। हाँ नाइस, मैं यहाँ पर पहुँच गया भाई फाइनली। कितना मुश्किल था इस कार को कंट्रोल करना। लुकस बटोन, क्या ब्यूटी। सिट टाइट, मेरे पास टाइम नहीं है। 3 मिनट में मैं इस कार को ड्राइव करके लाया, 3 मिनट से कम टाइम है बाय द वे, जो करना है जल्दी कर। मुझे पता नहीं इसके पास क्यों लाना था, मैं राल्फी के पास भी ले जा सकता था, पर आई थिंक उसे नहीं पता इस कार को कैसे डैमेज करना है। ये जो है कुछ ऐसा करेगा जिससे इस कार का कुछ ख़राब हो जाएगा। ऑलराइट जल्दी चलते हैं, अब सिगरेट पीने का टाइम नहीं। चलो कितना टाइम है मुझे नहीं पता। Tell Mr. Salieri, I'm always available for this kind of work. I do stuff for a lot of people, but I always know where I stand with you guys. अबे यार चाबी दे दे। Nice. Cars, getaways, anything for the right price. ठीक है. This is Mr. Salieri's guy wins tomorrow. For all our sakes. तो इस कार को इसने कुछ ऐसा किया जिससे जो है शायद ड्राइविंग करना और मुश्किल हो जाएगा ऑफ कोर्स। ये कैसा घटिया कैमरा एंगल है भाई दोबे। नाइस। 3 मिनट में हमें लौटना भी पड़ेगा। वाह तो ये क्या हो रहा है, एक सेकंड ऊपर। अच्छा मैं अगर ज़्यादा स्पीड में चलाता हूँ तो शायद कुछ ख़राब हो जाएगा इस गाड़ी का इंजन में।
या पर इसलिए एक रेड बार दिखा रहा है, तो मैं ज़्यादा पिकअप नहीं कर सकता, मुझे छोड़ छोड़ के चलाना पड़ेगा, मैं कॉन्स्टेंटली एक्सेलेटर को दबा नहीं सकता। मैं समझ गया, ब्रिज के ऊपर से हम लोग उड़ा के ले जाएंगे, ज़्यादा चिंता की बात नहीं। चाइना टाउन के सामने जो है बहुत पुलिस गार्ड होता है। इस कार का स्पीड बहुत कम हो गया भाई, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा कम हो गया, लिटरली पता नहीं इसने क्या खोल लिया, पर आई थिंक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट खोल लिया। सामने पुलिस था क्या वो, पता नहीं भाई, निकलते हैं वैसे जगह से। ये जो बाढ़ है फिल होने से पता नहीं क्या होगा, शायद गाड़ी रुक जाएगा, तो मुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा। यस, हमें टर्न करना पड़ेगा, लेट्स टर्न। पुलिस अगर हमें देख भी लेते हैं तो ये लोग समझ जाते हैं ये रेस कार है। अबे यार पता चल ही गया, देखा इन लोगों को। अबे मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, मैं कुछ और कर नहीं सकता, पुलिस मेरे पीछे पड़ा है। इस गाड़ी को कंट्रोल करना 90% और ज़्यादा मुश्किल बना दिया इस बंदे ने, लिटरली कार अपने आप ही इस साइड में उस साइड में घूम रहा है। पुलिस से बच गए हम लोग, पर फिर भी हमें बहुत दूर जाना है, अभी एक विलेज टाइप के जगह में जाना था, शहर के बाहर रेस ट्रैक में जाना था आई थिंक, हमें विलेज में नहीं, चाइना टाउन है ये बाय द वे, पुलिस भी अपना हमेशा रहता है। हट जाओ मेरे पास कंट्रोल। अबे यार एक और पुलिस ने हमें देख लिया, क्या वे टू फास्ट, तो मेरे पीछे पुलिस था, क्या मैं इनके साथ जा सकता हूँ? आई डोंट थिंक मैं इनके साथ उस जगह में जा सकता हूँ, तो एक सेकंड, जाना कहाँ पड़े मुझे? अच्छा मैं पुलिस के साथ यहाँ पर जा नहीं सकता भाई, तो मुझे पुलिस से बचना पड़ेगा पहले, अजीब बात है, टाइम नहीं है मेरे पास ये सब करने का। अच्छा यस बच गए, तो अभी मुझे पीछे जाना पड़ेगा, एक सेकंड कहाँ पर जाना है अभी मुझे, पीछे जाना पड़ेगा, नाइस, टाइम नहीं है मेरे पास भाई। एटलीस्ट पुलिस थोड़ा सा केयरफुल है यहाँ पर, ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करता हम पे। सामने से टर्न, मैं पहुँच नहीं पाऊँगा टाइम में, 30 सेकेंड बस है। लिटरली अगर ये लोग देखते हैं पता चल जाता है इनको कैसे हम लोग स्पीड में जा रहे हैं। इनके आईज में क्या कोई स्पीड मीटर फिक्स है मुझे नहीं पता। निकलना भी है भाई, 13 सेकेंड्स, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर इस कार का पहले से स्पीड होता भाई, यार मैं लेवल में रीच कर रहा हूँ। ओके मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ, इन लोगों ने टाइम को ओवर नहीं किया बाय द वे, क्या मैं पहुँच सकता हूँ? टाइम ओवर हो चुका है फिर भी। पुलिस अगर हमें डिस्टर्ब नहीं करता हम लोग बहुत पहले पहुँच जाते टाइम ओवर के। ओके टाइम ओवर हो चुका है फिर भी हमें साथ थोड़ा सा कंपनसेशन मिला, बट एनीवेज लेट्स गो। और नहीं भाई इस कार को और नहीं चलना हमें, निकलो निकलो। थैंक क्राइस्ट, गुड टू गो, ड्राइव्स लाइक अ जलापी। ऑलराइट पता चल गया हमें, निकलो बस इससे, अभी टाइम ओवर हो चुका है बाय द वे, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? नाइस हम लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया, इस कार को हम लोगों ने डैमेज कर दिया इनफ, अब जो है ये कार ठीक से नहीं चलेगा बस। ऑलराइट रेस देखना है हम लोग। That's right. This crazy bastard, he waltzes us out of the bathroom to start pissing all over the joint. Really? What, he didn't call the cops? Nah, sometimes you just gotta make them think you're crazy. Tom, you got the moments? Oh. Jeffrey. Abhe, yaar, aap kya karna padega? Situation. Is the boss okay? Oh yeah, it's nothing like that. Mikey Dunn, our driver. Some of Morello's guys roughed him up pretty good last night. Abhe, yaar. Broke his arm, broke his jaw. Sent him to the hospital. ये लोग क्या मुझे ड्राइविंग करने के लिए कहेंगे? प्लीज नहीं, अबे यार नहीं। फ्रैंक, इट्स अ हाफ आवर बिफोर द स्टार्टिंग गन गोज ऑफ, सो दिस इज नॉट अ डिस्कशन। बट डॉन वांट्स टू विन, बट मोर इम्पोर्टेंटली ही वांट्स मोरेलो टू लूज, एंड यू आर आवर बेस्ट व्हील मैन। तो हम क्या, आई बी टॉकिंग टू समवन एल्स। या ओके फ्रैंक, तो हमें ड्राइव करना पड़ेगा भाई, लिटरली रेस भी हमें करना पड़ेगा। Get to the track right away. All right, जो भी है रेस हमें करना पड़ेगा बाय द वे, तो रेस को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक इस वीडियो में रेस कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, इन लोगों को देखो मजाक कर रहे, बस सारा काम हमें करना पड़ रहा है, कैसे डॉन्स थे ये लोग। एनीवेज गाइस, जैसा कि मैंने कहा इस रेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों ने इस गेम प्ले को एंजॉय किया, अगर एंजॉय किया तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।